तो जहां देखता है जित देखो तित श्याम मई है। मेरे सदगुरु के स्वरूप के सिवा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं, अपने स्वरूप के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। उन परमानंद स्वरूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आगे चलते, अब आत्मज्ञान की जो परंपरा है, अब उसका पहला विषय क्या है? ब्रह्म निष्ठा का महत्व, ब्रह्म में निष्ठा होने का महत्व क्या है, खासियत क्या है? तो यहां पे आचार्य शंकर कहते हैं, जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। जीवो मतलब सब आ गए, चरिंद परिंद सब आ गए, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े इंसान घोड़े गधे सब आ गए, लेकिन उसमें भी आदि शंकर भगवान आचार्य शंकर कहते हैं कि जीवों को प्रथम तो नर जन्म दुर्लभ है। इस जीवों इस कायनात के अंदर जितने भी जीव हैं उसके अंदर इंसान का जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल है। और आप भाग्यशाली साहब, आप इस बात की निष्ठा कर लें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इंसान का महत्व मिला है, इंसान की जूनी मिली है, दूसरी जूनियों के अंदर आनंद है लेकिन उनको भान नहीं है। हमको तो हर चीज का भान है, इंसान है, इंसान समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या भोगना है क्या नहीं भोगना है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या जानना है क्या नहीं जानना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, इस बात का हमें विवेक है। रहना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसा है, कब सोना है कब जागना है, किससे किस तरह मिलना है, किससे किस तरह बात करनी है, ये इंसान के केवल और केवल एक इंसान के अंदर ये बात है, बाकी जीवों में नहीं है, है ना। वो बेचारे कहीं पे भी गिर पड़ जाते हैं, सर्दी में अपना रक्षक नहीं कर सकते, गर्मी में भटकते हैं ना, जो हम लोग देखते भी हैं। तो नर जन्म इतना उत्तम है, और नर जन्म के अंदर भी कहते हैं भगवान के जीवों को प्रथम तो नर जन्म दुर्लभ, और उससे भी पुरुषत्व, पुरुषत्व को कहते हैं मर्द, है ना। औरत का दर्जा नीचा नहीं है लेकिन मर्द का महत्व ज्यादा है। अच्छा, औरत का महत्व क्यों ज्यादा नहीं? वो इसलिए कि वो नाजुक मिजाज है साहब, औरत जो है नाजुक मिजाज, बहुत नाजुक मिजाज बहुत, और मर्द थोड़ा कठोर है। आज भी देख ले सारे भारी काम जो है, और हालांकि औरत बहुत हिम्मत वाली है लेकिन मर्द रात को अंधेरे में भी कहीं चला जाएगा, औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अंधेरे में कहीं जाए। वो रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 यानी कि जब उठा तब निकल पड़ा घर से, उसको इतना भय नहीं होता लेकिन औरत को बहुत। इसलिए पुरुष तव, आप जिसको पुरुष तव का महत्व पता वो जानते हैं कि इंसानी जूनी में मर्द क्या है। और सब हर आदमी मुछाड़ा है ना, मूछ रख के दहशत कर रहा है, टीचर बन के बच्चों को समझा रहा है ना। वो टीचर तो स्त्री भी है लेकिन बच्चे उससे इतने नहीं डरते जितने सर से डरते हैं, वजह पुरुष तव की है, डरने डराने की नहीं है। उसके अंदर पुरुष की बात थोड़ी और है, स्त्री की बात पे नजाकतता है, पुरुष में नजाकत नहीं है, वो वीर वाली बात है उसके अंदर। बात को समझने की कोशिश करना साहब, मैं स्त्री के महत्व को नीचे नहीं कर रहा हूँ, पुरुष का महत्व जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्त्री महान है, सनातन धर्म के अंदर तो देवी पूजा ही है ना, गीता माता कहते हैं, संतोषी माता, लक्ष्मी माता,
है ना, पूजा तो लक्ष्मी की हो रही है, सरस्वती की। देखो ऊंचे 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 दर्जों पे सारी ऐसे ही हैं, सरस्वती सुर की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, और भी बहुत सारे, मैं कहाँ तक गिनवाऊंगा। तो सनातन धर्म तो देवी, सनातन धर्म तो देवी पूजा के साथ, और लेकिन पुरुष को यहाँ पे महत्व देने का अर्थ ये है कि गीता के अंदर भी कहा है कि उसे पुरुष क्यों कहते हैं, कि वो सर्व शरीरों में रहता है, इसलिए भी उसको पुरुष कहते हैं। उस ब्रह्म को पुरुष भी इसलिए कहते हैं, गीता में लिखा है कि उसको पुरुष इसलिए भी कहते हैं कि वो सर्व शरीरों में रहता है। तो पुरुष का महत्व का अर्थ यहाँ पे है कि उसमें हिम्मत थोड़ी ज़्यादा होती है। वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोई गिरा नहीं रहा हूँ किसी को, ठीक है। तो पुरुषता जीवों को प्रथम जन्म ही दुर्लभ है, और उससे ही पुरुषता, और उससे भी, यानी कि पुरुष हो गया तो क्या हुआ, जब तक आपके अंदर ब्राह्मणता नहीं है, जब तक आपके अंदर ब्राह्मणता नहीं है तो आपका पुरुष होना बेकार है। अच्छा ब्राह्मण तो किसको कहते हैं, वो ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, गले में डाला सूत, आत्म ज्ञान की खबर ही, भया संसार का भूत, ऐसे ब्राह्मण की जरूरत नहीं है साहब। वो ब्राह्मण अपने घर की सफाई करता होगा अपने तन की, अरे उससे अच्छा भंगी है जो पूरे मोहल्ले की और अपने घर की भी सफाई करता है, ऐसे ब्राह्मण की जरूरत नहीं है हमें। ब्राह्मण का अर्थ यहां पे मन बुद्धि मल विक्षेप जिसके नहीं है वो ब्राह्मण है। माँ के गर्भ से ब्राह्मण कोई पैदा नहीं होता है, माँ के गर्भ से सब शुद्ध है शरीर, माँ के चमड़े का है सब चमार। राजा जनक ने कहा था अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा था, हे राजन तू राजा नहीं तू चमार है, भाई क्यों, कि तूने मेरी पहचान नहीं की, तूने हड्डियों और चमड़े की पहचान की, इसलिए। तो इस शरीर को जानने वाले तो सारे चमार है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, जो अपने आप को ब्राह्मण कहता तो शरीर को ब्राह्मण कहता था वो चमार है। ब्रह्म चिन्ह थी ब्रह्मणा, जिन्होंने ब्रह्म को चिन्ह, ब्राह्मण तो वो है साहब, ब्राह्मण तो वो है जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, और ब्राह्मण तो मिलना कठिन है, क्योंकि जिसने ब्रह्म को जाना है वो ब्रह्म को जानना कठिन है। अच्छा, और जब ब्राह्मण होने से भी क्या हुआ, आपने मन विक्षेप, मन भी शाप बुद्धि, तो मन विक्षेप हटा दिए तो क्या हुआ कि ब्राह्मण होने से भी वेदों का अनुगमी होना कठिन है, क्यों, चार आपने वेद पढ़ लिए तो समझा तो नहीं उसको, मल विक्षेप तो समझेंगे कैसे, गुरु के पास जाना पड़ेगा, बगैर गुरु के वो समझ नहीं आएगा। तो ब्राह्मण भी हो गया, मल विक्षेप निकाल के ब्राह्मण भी हो गया, तो वेद तो नहीं समझा, वेदांत तो नहीं समझा, होम करीम क्या बात है यार। तो जब तक वेदों का अनुगम ही नहीं है, जब तक वेदों को जाना नहीं है, अच्छी तरीके से जाना नहीं है, तो वो ऐसे ब्राह्मणता का भी, ऐसे विद्वता का भी होना बेकार है, और उससे भी विद्वता का होना कठिन है, क्योंकि समझना और समझाना विद्वता है। और विद्वान भी हो गया तो क्या हुआ, जब तक के ये सब कुछ होने पर भी, यानी कि आप पुरुष हो गए, आप इंसान हुए, उसमें पुरुष हुए, पुरुष में भी ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण भी में भी वेदों के अनुगमी हो गए, है ना, ये सब कुछ होने का भी, और विद्वान, ये सब कुछ होने पर भी जब तक आत्मा और अनात्मा का विवेक सम्यक अनुभव। अच्छा सम्यक का अर्थ क्या है, आत्मा और अनात्मा का विवेक सम्यक, आत्मा और अनात्मा का सम्यक का अर्थ है पूरा ज्ञान। खाली किताबें पढ़ने से या ज्ञान खाली करने के, आत्मा है नहीं है, परमात्मा है या अनात्मा है, तो ये कहने से, जब तक इसका पूर्ण, जैसे कोई चीज हम चखेंगे नहीं तब तक उसका पूर्ण अनुभव नहीं होगा।
खाली सामने पड़ी है, कोई मिठाई है वो सामने पड़ी है जो हमने कभी नहीं खाई, या किसी ने से सुनी ये ऐसी ऐसी है, तो क्या उससे जीभ मीठी होगी? जो स्वाद है वो आएगा नहीं, जब तक के उसको उस जबान पे नहीं रखेंगे तब तक उसका पूरा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो सम्यक का अर्थ है पूरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान और अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थित, सम्यक ज्ञान अनुभव और ब्रह्मात्म भाव से स्थित, कुठस्था एकदम, जब तक उसके अंदर स्थित पड़ा होण पड़ा एकदम अपनी निष्ठा, जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक समझो के मुक्ति तो मिलना बहुत दुर्लभ है। और ये कब होता है सब के करोड़ों जन्मों के हमने जो कर्म किए ना, पुण्य कर्म अच्छे कर्म, पुण्य कर्म अच्छे कर्म जो किए हैं, उन अच्छे कर्मों का जो शुभ कर्मों के वो जब तक फल पकेंगे नहीं तब तक ये आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो आप भाग्यशाली है, आपको मानखा जोड़ी मिली है और आपको ज्ञान वर्षा की तरफ से ये मौका भी मिला है तो सुनने का भी, और कोई ना कोई कोई ऐसा साचा संत भी आपको मिल ही जाएगा जो इस बात को समझा सके।